शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जगत कल्याण के लिए त्रेता युग में धरती पर अवतरित हुए थे। आज भी इस धरती पर माता सीता से संबंधित कुछ ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो देवी सीता के होने का एहसास दिलाते हैं। मान्यता है कि माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर पुनौरा नामक स्थान पर हुआ था। इस जगह पर माता सीता का एक मंदिर भी है। यहाँ पर राजा जनक को एक कलश में माता सीता मिली थी। इसी जगह पर अब एक कुंड भी है जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ से राजा दशरथ देवी सीता को जनकपुर ले गए थे। राजा जनक की राजधानी जनकपुर में है जो अब नेपाल में है। यहाँ एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। मान्यता है कि यहीं पर माता सीता ने अपना बचपन गुजारा था। इस मंदिर में सीता जी के अलावा भगवान राम और उनके छोटे भाई शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी की प्रतिमा मौजूद है। नेपाल के जनकपुर शहर में आज भी उस विवाह मंडप और विवाह स्थल के दर्शन कर सकते हैं जहां माता सीता और राम जी का विवाह हुआ था। जनकपुर के आसपास के गांव के लोग विवाह के अवसर पर यहां से सिंदूर लेकर आते हैं जिनसे दुल्हन की मांग भरी जाती है। मान्यता है कि इससे सुहाग की उम्र लंबी हो जाती है। रामायण के अनुसार जब माता सीता भगवान राम के साथ वनवास गई थी तब उन्होंने कुछ समय उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कुछ समय गुजारा था। चित्रकूट में आज भी भगवान राम और सीता माता के कई पद चिन्ह मौजूद है। तस्वीर में जो पद चिन्ह आप देख रहे हैं बताया जाता है कि ये माता सीता के पैरों के निशान हैं। माता सीता यहाँ से चित्रकूट की सुंदरता निहारती थी। चित्रकूट के बाद भगवान राम सीता और लक्ष्मण पंचवटी गए थे जो नासिक में है। नासिक में प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के दौरान रहे। कहा जाता है कि नासिक ही वह स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी थी। सीता गुफा पंचवटी में 5 बरगद के पेड़ के समीप स्थित है। माना जाता है कि रावण ने सीता हरण इसी जगह से किया था। इस गुफा में प्रवेश करने के लिए सकरी सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। रामायण के अनुसार जब रावण सीता को हरण करके लंका ले गया तब उसने माता सीता को अशोक वाटिका में ही रखा था और हनुमान जी माता सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुंचे थे। यहां आज भी हनुमान जी के पद चिन्ह आसानी से देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहां हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि माता सीता और प्रभु राम के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और भी जानकारियां आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें।